हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शनि देव की वृषभ लग्न के नाइन्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर टॉरस असेंडेंट में सैटर्न नाइन्थ हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के फल मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ नाइन्थ एंड टेंथ हाउस, दोनों ही ऑस्पिशियस हाउस है और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हाउस है। नाइन्थ हाउस त्रिकोण हाउस है, टेंथ हाउस हमारे कैरियर का है, बहुत पावरफुल हाउस है, प्रोफेशन का है, गवर्नमेंट का है, अथॉरिटेटिव लोगों का है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ का है, प्रोफेशनल सक्सेस का है, हमारी सोशल स्टैंडिंग का है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का है, हमारी सोशल रिस्पेक्ट का है और हमें गवर्नमेंट से या अथॉरिटेटिव लोगों से कितनी सपोर्ट रहेगी लाइफ में, इन चीजों को टेंथ हाउस ही दर्शाता है। और नाइन्थ हाउस का संबंध हमारी फॉर्चून से है, एक डिवाइन ब्लेसिंग से है, हमारे गुरु से है, रिलीजियस एक्टिविटीज से है। और नाइन्थ हाउस का संबंध हमारी भावनाओं से है, रिलीजियस भावनाओं से है और धार्मिक भावनाओं से है, और हम अपने धर्म के प्रति कितना निष्ठावान है उन सब चीजों से है, और हमारे पिता से है, हमारी शिक्षा से है, हायर एजुकेशन से है, जो एजुकेशन हम पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव है उसका संबंध नाइन्थ हाउस से है। नाइन्थ हाउस का संबंध इंटरनेशनल ट्रैवल से है, नाइन्थ हाउस का संबंध सेटलमेंट से भी है, फॉरेन सेटलमेंट से भी है। अगर नाइन्थ हाउस का प्लानेट ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए किसी भी तरीके से और एक और कोई पॉजिटिव योग हो तो हमें फॉरेन सेटलमेंट में ले जाता है। नाइन्थ हाउस के संबंध अगर ट्वेल्थ हाउस से हो जाए तो हम हायर एजुकेशन भी फॉरेन कंट्रीज में लेने चले जाते हैं। तो ये सब चीजें नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। अब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है सैटर्न ही है इस लगन में, यानी वृषभ लगन में। तो दोस्तों, अब यहां सैटर्न फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है इस पर्टिकुलर लगन में, लेकिन वैसे नेचुरली सैटर्न एक मैलिफिक एनर्जी है, मैलिफिक प्लैनेट है। सैटर्न का संबंध है हार्डशिप से, बाउंड्री से, रिस्ट्रिक्शन से, ग्रीफ से, सोरो से, पेन से, ट्रायल से, टेस्ट से, प्रैक्टिकल लाइफ से, और थोड़ा बहुत नेगेटिव थिंकिंग से भी है। और सैटर्न एक ओल्ड और ड्राई प्लैनेट है, यानी कि बहुत ज्यादा एक हैप्पीनेस का वास नहीं है सैटर्नाइन एनर्जी में, और सैटर्न बहुत ही मैच्योर है। अपनी जिंदगी को सैटर्न ने अच्छे से देखा है और वो जानता है कि किस तरीके से या किस सिचुएशन में किस तरीके से हमें एक्ट करके हम सही दिशा में जा सकते हैं। तो सैटर्न इज फुल ऑफ मैच्योरिटी एंड विजडम। तो ये सारी एनर्जीज जो है ये सैटर्नाइन एनर्जीज है। अब शनि देव अपने ही घर में बैठे हुए हैं तो यहां शनि देव इज सुपोज टू ब्लेस यू। अब किस में ब्लेस करेंगे? टेंथ हाउस के सिग्निफिकेंस में ब्लेस करेंगे और नाइन्थ हाउस के सिग्निफिकेंस में ब्लेस करेंगे। लेकिन एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ कर्मा, सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ हार्डशिप। विदाउट कर्मा, विदाउट हार्डशिप, विदाउट हसल्स शनिदेव किसी को भी कुछ नहीं देते। शनिदेव पहले आपको लाइफ की रियलिटी से अवगत कराते हैं, आपको लाइफ की रियलिटी से रूबरू कराते हैं और उसके बाद आपको जाके फल देते हैं। तो इसलिए शनिदेव चाहे अपने भाग्य में बैठे हों, चाहे अपनी राशि में बैठे हों, लेकिन फिर भी आपको संघर्ष जरूर कराएंगे, मेहनत जरूर कराएंगे, क्योंकि सैटर्न कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको आउट ऑफ ब्लू मून कुछ दे देगी। नहीं, पहले मेहनत करवाएंगे और फिर देंगे। इसलिए जहां सैटर्नाइन एनर्जी काम करती है वहां हमें रिजल्ट्स थोड़े लेट मिलते हैं, यानी कि वी कैन अज्यूम के हमारे रिजल्ट्स 32 साल के बाद ही हमें मिलते हैं और अगला पड़ाव शनि का 36 साल का है, 36 साल के बाद ही देते हैं। तो हमें लाइफ के कुछ साल, इम्पॉर्टेंट ईयर्स, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई इंसान 26-27 साल में मेहनत करना शुरू करता है तो उसे 5-6 साल कम से कम शनिदेव खूब मेहनत कराते हैं और उसके बाद उसे इस्टैब्लिश करते हैं। और वो भी अगर सैटर्न बहुत ही पावरफुल है और दूसरे भी प्लैनेट्स कहीं ना कहीं सैटर्न को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनमें मैलिफिक इम्पैक्ट जो है नहीं बना रहे हैं या कोई कंजंक्शन ऐसी नहीं बना रहे हैं
जिससे सैटर्न में मैलिफिक इफेक्ट आ जाए। तो दोस्तों यहां पर आइए देखते हैं कि शुभ फल क्या मिलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यह है कि यहां मेहनत करके इंसान एक कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। इंसान एम्बिशियस होगा, बहुत मैच्योर होगा, उसके ज्यादातर डिसीजंस लाइफ में सही हो सकते हैं, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग भी उसके साथ काम करेंगे। क्योंकि देखो फॉर्चून के घर का मालिक अगर फॉर्चून के घर में ही आ जाए तो यू आर सपोज टू बी ए फॉर्चुनेट पर्सन। हां इसमें और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ सैटर्न को ही डिस्कस कर रहे हैं और सैटर्न की इस प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि क्या क्या जो प्लैनेट्स हैं इस प्लेसमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं या इसके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव वे में, लेकिन फिलहाल तो हम सैटर्न की प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां सैटर्न एक ऑस्पिशियस हाउस में है, ट्राइन हाउस में है, आपके भाग्य को ये चमकाएगा, दिस इज फॉर श्योर। दूसरी चीज ये है कि चमकाएगा मेहनत करके। तीसरी चीज ये है कि यहां पर बैठा हुआ सैटर्न आपको हायर एजुकेशन भी जरूर देगा। ये अलग बात है कि हायर एजुकेशन में थोड़ी सी डिले हो जाए, थोड़ा गैप आ जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग, दैट इज अ बेसिक नेचर ऑफ सैटर्न, लेकिन यहां यू आर सपोज टू गेट द हायर एजुकेशन इन लाइफ। और चौथी बात यह है, ये आपको इंटरनेशनल ट्रेवल्स में भी जरूर ले जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट। अगेन मतलब लेट की जो बात है वो तो सैटर्न जो है डिले के कारक ही है, इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ डिले। तो ये हर चीज में आपको डिले जरूर करवाएंगे, लेकिन देंगे जरूर, ही विल ब्लेस यू। और यहां बैठा हुआ सैटर्न नेटिव को रिलीजियस बनाएगा। हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, रिस्ट्रिक्टेड वे में आप रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप रिलीजियस होंगे। और यहां पर बैठा हुआ सैटर्न आपको फादर से डेफिनेटली फादर के प्रति आप रिस्पेक्टफुल रहेंगे। हाँ थोड़े से आप रूड रह सकते हैं कन्वर्सेशन वगैरह में, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकते हैं, अपनी बातों को आप कह सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा हम स्वीटनेस नहीं देखते, लेकिन आप फादर की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे यहां, और फादर की सपोर्ट भी आपको मिलेगी, और फादर के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होगी और आप जिम्मेदार होंगे, यानी कि यू विल टेक केयर ऑफ योर फादर, यू विल टेक केयर ऑफ योर गुरुज, यू विल टेक केयर ऑफ योर फादरली फिगर्स इफ यू सैटर्न इज प्लेस्ड हियर। और यहां पर और देखें तो यहां पर हमारे इंटरनेशनल ट्रेवल्स का रास्ता भी जरूर खुलेगा, थोड़ा सा हाफ लाइफ के आसपास, मतलब 36 साल के बाद यू आर सपोज टू ट्रेवल अब्रॉड। और यहां पर सैटर्न अगर बैठे हुए हैं तो आपको आपके कैरियर में आपको यहां पर सेटल कर देंगे शनि, क्योंकि आफ्टर ऑल सैटर्न इज अ लॉर्ड ऑफ 10th हाउस आल्सो। तो 10th हाउस में तो उनकी मूल त्रिकोण राशि और 10th हाउस से रिलेटेड ब्लेसिंग्स यहां रहेंगी। आपका सोशल स्टेटस ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा एंड अल्टीमेटली यू विल मेक यूर सोशल स्टेटस ए रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन दिस सोसाइटी। और आपको यहां पर सरकार की, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलेगी या कुछ अथॉरिटेटिव लोगों की भी सपोर्ट रहेगी। और आपके जो बॉसेस वगैरह होंगे, अगर आपका सूर्य थोड़ा सा ठीक बैठा हुआ है तो आपके बॉसेस भी आपको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अगर सूर्य ठीक है, क्योंकि यहां पर सूर्य का एक नक्षत्र भी मिलता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तो उसकी हम बाद में बात करते हैं। और दूसरा यहां पर दसवें घर से हम देखते हैं आपका कैरियर, कैरियर की सक्सेस। तो यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप कैरियर की सक्सेस मिलेगी, एकदम नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करने के बाद आप कैरियर में ऊपर उठेंगे। चाहे आप यहां पर बहुत ही लोअर लेवल से स्टार्ट करें, लेकिन कैरियर में एक हायर पोजीशन आपको डेफिनेटली ये सैटर्न दिला देंगे, यहां बैठे हुए सैटर्न। और आपकी जो, अगर आप जॉब में हैं तो रिटायरमेंट आपकी एक अच्छी प्रेस्टीजियस और वेल नोन जॉब से होगी, रिस्पेक्टेबल पोजीशन से होगी। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस छोटे बिजनेस से बड़ा एक्सपैंड होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से शनि देव आपको यहां पर फल डेफिनेटली देंगे। लेकिन यहां पर यह देखना जरूर है कि यहां पर देखिए, यहां पर एक
दो तीन योग बनते हैं। एक तो धन धन योग बनता है, एक भाग भागी योग बनता है, यानी कि इट मेक्स यू ए फॉर्चुनेट पर्सन, इट मेक्स यू ए वेल्दी पर्सन। अब वेल्दी, अगर आपने वेल्थ का योग स्टडी करना है कि क्या ये योग काम कर रहा है मेरे चार्ट में, तो फिर मरकरी की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी आपको और शुक्र की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वेल्थ के घर का मालिक बुध है और शुक्र क्या है, आपका असेंडेंट है। ये दो प्लैनेट्स आपको जरूर देखने पड़ेंगे कि इनकी प्लेसमेंट कहाँ है, क्या ऑस्पिशियस हाउसेज में है या स्ट्रांगली है या नहीं है। दूसरा यहां पर बनता है आपका फॉर्चून का योग, यानी कि यू आर ए फॉर्चुनेट, एक भाग्यशाली हैं आप, तो उसके लिए यहां पर किसी मेलेफिक प्लैनेट की आस्पेक्ट या कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए। और मेलेफिक प्लैनेट्स तो सारे ही हैं, सैटर्न के सारे एनिमीज हैं, यानी कि सूर्य भी एनिमी है, मंगल भी एनिमी है, केतु और राहु भी साथ में बैठ जाए तो ये घर बिगड़ जाएगा, तो फिर हम इस घर के अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। तो इनकी दृष्टि भी आ जाए तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका भी रहेगा, हालांकि पूरा नहीं रहेगा, लेकिन दृष्टि भी काफी इस ऑस्पिशियस प्लेसमेंट को इम्पैक्ट कर देगी, यानी कि थोड़ा सा इसमें डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगी। और दोस्तों यहां पर मून के बैठने से भी डेफिनेटली मून इज ए वेरी सॉफ्ट एंड वेरी रॉयल एंड वेरी इमोशनल टाइप ऑफ प्लैनेट, और हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मून यहां बैठ गया तो भी हमारा माइंड में स्ट्रेस आ जाएगा और हमें खुशी नहीं मिलेगी, वी वॉन्ट बी ए चीयरफुल पर्सन दैट वे, और हम हमेशा स्ट्रेस्ड लाइफ जिएंगे अगर मून सैटर्न के साथ बैठ गया। तो ये एक साढ़े सती जैसा योग बन जाएगा परमानेंटली हमारे लगन चार्ट में। साढ़े सती में यही देखते हैं ना, जब भी ट्रांजिशन का सैटर्न हमारे मून पे ट्रांजिट करता है, यानी कि एक हाउस पहले और फिर एक हाउस बाद में या सेंटर में, तो साढ़े सती का योग बनता है। तो यहां तो इकट्ठे ही बैठे हुए हैं दोनों, अगर ये क्लोज कंजंक्शन है तो और ज्यादा फल इसके खराब मिल सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेसफुल योग बनेगा। तो मून इज आल्सो ए यू कैन से मैलिफिक फॉर द सैटर्न, और सैटर्न इज मैलिफिक फॉर द मून, बिकॉज बोथ आर एनिमी प्लैनेट्स। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा है कि कई प्लैनेट्स के बैठने से ये प्लेसमेंट हमारी खराब हो जाती है। दूसरा, यहां पर जो नक्षत्र मिलते हैं हमें वो भी शनि के एनिमीज प्लैनेट्स के नक्षत्र है। पहला नक्षत्र मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो सूर्य देव का है, जो चलता है यहां पर 0 से लेकर 10 डिग्री तक, क्योंकि उसका एक चरण जो है वो पिछले साइन में हमें मिलता है, 9 नंबर साइन में। तो अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण यहां मिलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण। हालांकि दूसरा और तीसरा चरण शनिदेव के उसमें आता है, जुरिस्डिक्शन में आता है, क्योंकि दूसरा चरण जो है कैप्रिकॉर्न में फॉल करता है और तीसरा चरण जो है वो एक्वेरियस में फॉल करता है, लेकिन फिर भी ये नक्षत्र तो सूर्यदेव का ही है, तो यहां पर शनिदेव बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, राशि उनकी अपनी है, हाउस ऑस्पिशियस है, तो दो चीजें तो बहुत ही पावरफुल हो गई उनके लिए, तो ऑस्पिशियस रिजल्ट तो देंगे। लेकिन अगर वो उत्तराषाढ़ा में है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो सिग्निफिकेंस है वो कुछ कुछ शनिदेव से मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है उत्तराषाढ़ा का? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक प्रैक्टिकल नक्षत्र है, एक हार्डशिप का नक्षत्र है और बहुत अच्छा नक्षत्र है, वहां भी हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये 10वां घर भी इस तरीके का है, कुछ कुछ शनिदेव की नेचर भी ऐसी है, तो यहां उनका सिग्निफिकेंस थोड़ा मैच जरूर करता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए और सूर्य बहुत अच्छे प्लेस है आपके चार्ट में, तो फिर आप घबराइए नहीं, यहां पर ऑस्पिशियस रिजल्ट और बढ़ जाएंगे और अच्छे मिलेंगे। तो दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है चंद्र का, श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। श्रवण नक्षत्र का लॉर्ड चंद्रमा है और श्रवण नक्षत्र में कई चीजें अच्छी मिलती हैं, यानी कि वेल्थ के लिए या यानी कि हमारे जो है श्रवण नक्षत्र, मतलब मून से एक रॉयल्टी, एक रीगलनेस, एक वेल्थ, एक हीरिंग का नक्षत्र है वो, यानी कि सुनने का नक्षत्र है। तो लेकिन नक्षत्र बहुत अच्छा है श्रवण नक्षत्र में, हमने देखा है कि काफी यानी कि लोग प्रोग्रेस करते हैं और अपने कैरियर में अच्छा परफॉर्म करते हैं।
तो अगर शनिदेव श्रवण नक्षत्र में और चंद्र की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है आपके चार्ट में, यानी कि अगर चंद्र एग्जॉल्टेड ही है फर्स्ट हाउस में या फिर थर्ड हाउस में या फोर्थ हाउस में, तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट हो जाएगी एंड यू विल बी ए वेल्दी पर्सन। तीसरा नक्षत्र चलेगा यहां पर 23.2 डिग्री से 30 डिग्री तक, यानी कि उसके दो चरण आपको, पहला और दूसरा चरण इसी राशि में ही मिलेगा। वो नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र मल्टी टैलेंटेड नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र है और वो है मंगलदेव का। अगर मंगलदेव के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं और मंगलदेव की कहीं प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली ये वाली प्लेसमेंट आपको एक सक्सेस की तरफ ले जाएगी, एम्बिशन की तरफ ले जाएगी, अचीवमेंट की तरफ ले जाएगी और बहुत यानी कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में कई तरह के टैलेंट्स हैं और बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। नक्षत्र यहां तीनों ही अच्छे हैं, उत्तराषाढ़ा, श्रवण एंड धनिष्ठा, लेकिन हैं शनिदेव के एनिमी प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं ये तीनों, तो वहां पर थोड़ा सा हमें कभी कभी डेफिशिएंसी मिलती है और वो तब मिलती है जब कहीं इन प्लैनेट्स के जो लॉर्ड हैं वो अच्छे ना प्लेस्ड, वो वीक पड़ जाएं, दुष्टाना हाउसेज में हो, नीच के हो जाएं, बारहवें में चले जाएं, तब हमें ये प्रॉब्लम्स मिलती हैं। हालांकि 12 नंबर में अगर मंगल चला जाए तो वहां उसकी अपनी राशि बैठी है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य चला जाए तो वहां एग्जॉल्ट हो जाएगा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 12वां घर तो लॉस का घर है ही, तो वहां पर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज क्रिएट होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से शनिदेव जो है यहां आपको रिजल्ट्स देंगे, लेकिन नक्षत्र और नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के आप एक्यूरेटली देख सकते हैं कि ये शनि हमें एक सक्सेस की राह पे ड्राइव करेगा या ऑब्स्टेकल्स देता हुआ सक्सेस की राह पे ड्राइव करेगा। लेकिन ये प्लेसमेंट अच्छी है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स फॉर सैटर्न, बिकॉज सैटर्न इज ए लॉर्ड ऑफ दिस हाउस एंड इट इज सिटिंग इन इट्स ओन साइन। तो यहां इसको हम बुरा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर नक्षत्र के लॉर्ड्स इल प्लेस्ड होंगे तो फिर थोड़ी हार्डशिप ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी लाइफ में, लेकिन सक्सेस तो यहां मिलना लगभग तय है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी सो दैट वी शुड अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज एट ए फास्टर पेस एंड यू शुड बी बेनिफिटेड आउट ऑफ सच डिस्कशंस। तो सब्सक्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो प्लीज डू इट विदाउट एनी सेकेंड थॉट। एंड इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट अस, यू कैन डायल आर नंबर एंड हैव ए वर्ड विद अस रिगार्डिंग यूर चार्ट्स। सो वी प्रोवाइड पर्सनल कंसल्टेशंस ऑल्सो एंड आर प्राइसेज आर ऑल्सो वेरी रिजनेबल। So thank you very much once again. See you soon. Have a nice time. Goodbye.